परम प्रेमी सज्जनों, सभी मित्र मंडली को नमस्ते। और ये आदेश चौहान जी सबसे पहले मेरे साथ जुड़े हैं और ये नमस्ते लिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्ते जी। अभिनव जी भी नमस्ते लिखा है। नमस्ते। देवेंद्र भारद्वाज जी भी प्रणाम गुरु जी लिख रहे हैं। सबको नमस्ते। मैं बता दूं कि आज का विषय है ईश्वरीय ग्रंथ। कि ईश्वरीय ग्रंथ कौन सा है? आज का विषय है ईश्वरीय ग्रंथ। ये आकाश जी भी जुड़े हैं जी। प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सबको। नमस्ते। ये संजय जी भी जुड़े हैं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी। नमस्ते। आज का विषय है ईश्वरीय ग्रंथ। और ईश्वरीय ग्रंथ क्या है, इस पर ही हम चर्चा करेंगे। ईश्वरीय ग्रंथ होना जरूरी क्यों है? ईश्वरीय ग्रंथ की कसौटी क्या है? इन्हीं कसौटी पर हम विचार करेंगे। और यद्यपि मैं ये सारा विषय आप लोगों को लिख करके भी दिया हूँ। देखिए, ये सभी पुस्तकें हैं मेरी। बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को, ये लिख करके दिया हूँ। पूर्व इमाम के कलम से ये भी लिख करके दिया हूँ आप लोगों को। सारा विषय पा जाएंगे। यहाँ देखिए, यह सबसे पहली पुस्तक है मस्जिद सैयद शाला की ओर, इसमें भी पा जाएंगे आप। ये है अकल पर दखल ना देने वाले, धर्म और मजहब के भेद को क्या जाने। ये विशेष करके डॉक्टर असलम कासमी को जवाब में मैं लिखा। डॉक्टर असलम कासमी ने मेरे ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, छोटी सी बुकलेट। उसमें बताया था कि कुरान पर यह आक्षेप आपने क्यों और कैसे लगा दिया, जो कुरान ईश्वरीय ज्ञान है, इसका शान नुजूल क्या है। तो ये सब भेद मैं इसमें बताया हूँ। ये एक पुस्तक है, ये भी है, इसका भी नाम पूर्व इमाम के कलम से। यहाँ है वेद और कुरान की समीक्षा। इसीलिए वेद और कुरान को मैं दोनों तराजू में रखा हूँ। और वेद का पल्ला भारी देख रहे हैं, इसीलिए झुका हुआ है। ये क्यों और कैसा है, तो इस पुस्तक में सारा विषय मैं उठा कर रखा हूं। ऋषिदेव.com में आप लोग मेरी पुस्तक पा सकते हैं। ऋषिदेव.com से संपर्क करेंगे तो आप लोग वहां से भी पुस्तक उपलब्ध कर सकते हैं या मंगवा सकते हैं। यार ये शिव कुमार बिजोर जी, नमस्ते। नमस्ते। कई बार लिखा है इन्होंने। हाँ जी गुप्ता जी। आपको पत्र चल गया क्या, वो कैसा होगा करके? नहीं, वो मैं दो बार लिखा हूँ, वो मेरा लिखना कहाँ चला गया। यहाँ जहाँ पर ये कमेंट लिखा जाता है वहां मैं लिखा था कि आज का विषय है ईश्वरीय ग्रंथ। कमेंट में लिखेंगे तो कमेंट में नहीं आएगा। हाँ तो कहाँ लिखना है ये तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। पंडित जी एक काम करिए ना, लाइव पे जाइए और मुझे शुरू से बताइए ना, मतलब उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, देखता हूँ। अगर उसमें बता देता हूँ आपको। ये फिर इस वीडियो को तो मैं चालू कर दिया तो एंड करना पड़ रहा है। अरे चालू हो गया क्या? हाँ पंडित जी, ठीक है। आज जैसा भी है, मैं बार बार बोलना चाह रहा था कि जैसे लास्ट में आप शेयर करने के लिए बोलते हैं ना पंडित जी,
तो उसमें ना वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए ऐसा बोल सकते हैं, बाकी ना वीडियो को सब्सक्राइब करिए ऐसा मत बोलिएगा, क्योंकि तो वो एक प्रकार से टेक्निकल रूप से गलत हो जाएगा। उसमें ये बोलना है आपको कि चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसा। अच्छा अच्छा तो ये इसीलिए दिखा नहीं रहा है, मैं दो बार लिखा हूँ वो यहाँ दिखा नहीं रहा है। जी पंडित जी, आप हिमांशु जी को भी दो तीन बार फोन किया था, वो शायद सोए हुए लगते हैं, रहते तो फिर बता पाते हैं लैपटॉप से देखते हैं। ये एडिट पोस्ट लिखा रहा है उसमें लिखने से होगा क्या? देखिए ना पंडित जी, बार करके देख लीजिए। या अभी डिस्क्रिप्शन नहीं दिखा रहा है, एक जगह एक टाइटल लिखा है, टाइटल में लिखने से होएगा? हाँ हाँ जी, टाइटल में जी जी हाँ, बस टाइटल में लिख दे रहा हूँ। आज का विषय है हेलो हाँ बोलो। नमस्ते नमस्ते। আমি আমি এই সময় লাইভ আছি, ভিডিওতে লাইভ ভিডিও হচ্ছে ফেসবুকে, ওখানে আসুন। এখানে প্রশ্ন করুন, পেয়ে যাবেন প্রশ্নের উত্তর। नहीं, ये नरेंद्र कुमार जी भारद्वाज जी लिखते हैं क्या कुरान में सगी बेटी से विवाह करना जायज है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ मना लिखा है। वहाँ शब्द आया हुर्रमत अलैकुम महातुकुम व खलातुकुम व बनातुम व बनातुल आख बुख्ते, व इस तरीके से वहाँ पर माँ से मौसी से फूफी से और बहन से इन सब से शादी करना मना लिखा है। मना भले ही अभी लिखे सगे बहन से शादी करना पर, लेकिन कचेरी ममेरी फुफेरी मोसेरी जितना है उन सब से जायज है। लेकिन पहले काल में जब आदम के घर में संतान आए तो उन्होंने भाई बहनों में शादी हुई, और उनकी मान्यता यह है कि भाई बहनों में शादी इसलिए हुई कि जनसंख्या वृद्धि के लिए। अब इसको धर्म कहा जा रहा है, तो जनसंख्या वृद्धि के लिए आप इसको धर्म कह रहे हैं, ये क्यों और कैसा संभव हुआ या है ये तो खैर विचार करेंगे पढ़े लिखे लोग, लेकिन बहन से सगी बहन से शादी मना है। ये आकाश जी रटोड़ी भारद्वाज जी लिख रहे हैं, प्रणाम जी, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते जी, संजय जी आपने पहले नमस्ते किया, ईश्वरीय ग्रंथ
ईश्वरीय ग्रंथ सनातन ज्ञान होता होना चाहिए, या ईश्वरीय ग्रंथ क्या है, उसकी कसौटी क्या है, उसको देखना पड़ेगा पहले। देखिए, ईश्वरीय ज्ञान मानव मात्र के लिए है, ईश्वरीय ज्ञान आदि सृष्टि से है, ईश्वरीय ज्ञान मानव मात्र की भाषा में है, ईश्वर को ज्ञान बदल बदल करके देना नहीं पड़ता, ये सब कसौटी है। और इन कसौटी के आधार पर ये डॉक्टर जाकिर नाइक की जो लिखी हुई पुस्तक है, किताब है, कुरान ईश्वरीय ग्रंथ है, उसी का ही जवाब मैं तैयार किया हूँ, कर रहा हूँ, तो अब थोड़ा सा बाकी है। तो उसमें मैं ये सारा कसौटी दिया हूँ कि ईश्वरीय ज्ञान होना क्यों और कैसा संभव है, ईश्वरीय ज्ञान के लिए क्या चाहिए, क्या वहां पर ईश्वरीय ज्ञान में पशु हत्या की बात होनी चाहिए। आज जो हमारा साधना पक्ष है धर्म का, उसमें मैं लिखा हूं। अब यहां पर जिस अल्लाह को रहमान और रहीम कहा जा रहा है, वो रहम करने वाला मेहरबान है, लेकिन वो पशुओं के गले में छुरी चलाने का भी हुक्म वही अल्लाह दे रहे हैं, तो फिर अल्लाह की रहम कहाँ है, किस पर है? इसीलिए ईश्वरीय ज्ञान की कसौटी में वो सब आ जाएंगे। तो ये अरविंद शास्त्री जी ज्वाइन किए हैं, ए के भट्ट, नमस्ते जी। नमस्ते जी स्वामी जी, हम ऋषियों के कर्ज को कैसे उतारे? बस ऋषि कर्ज को उतारने के लिए तो ये परिपाटी चल रहा है भाई, ये ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए ही तो ये सारा काम किया जा रहा है, यही तरीका है। इस काम करने को सहयोग करें, इस काम को आगे बढ़ाएं, आदि आदि। आर्य शिव कुमार यादव भी जो, पंडित जी आपके वीडियो बहुत सुने हैं और बहुत अच्छा देते हैं आप, आर्य जी। धन्यवाद आर्य शिव कुमार जी आपको। पंडित जी, वेद में माँ क्यों कहा जाता है? माँ इसलिए कहा जाता है कि माँ एक ऐसा शब्द है, माया, महत्व, प्यार, मोहब्बत, स्नेह, बात्सल्यता, अट्रैक्शन, आकर्षण, जितना जो कुछ भी है वो सब माँ के साथ ही होता है। इसलिए माँ शब्द जो है वो हृदय से निकलती है, और इस आवाज को कभी आप, आपको जानना हो, सुनना हो, देखना हो, तो गाय जब अभी अभी बछड़ा को जन्म देना, नवजात बछड़ा, उस बछड़े की आवाज को सुने आप तो पता लगेगा। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि उस वो गाय जो पशु है वो माँ को जानता है और माँ के नाम से आवाज लगाता है वो, लेकिन ये इंसान सारा अकल के बटलोए लिए ये बैठे हैं, इस इंसान को पता नहीं है कि माँ के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पंडित जी, इस्लाम मत के अनुसार हजरत आदम को धरती पर आए कितने साल हो चुके हैं? तो इनके अनुसार, इस्लाम के अनुसार, ये लगभग 1500 वर्ष हुए हैं, ऐसा ही अंदाजा है। ओम भाटी जी, नमस्ते। पंडित जी, मेरा सवाल, जब इंसान आखिरी सांस ले रहा है और बोलने वे देखने में असमर्थ है, सुनने में कितना समर्थ है वह पता नहीं, और उस समय उनको गीता का पाठ पढ़कर सुनाया जाता है, क्या उनको लाभ मिलना संभव है? नहीं, वो तो आप अपना काम कर रहे हैं भाई, गीता आप पाठ कर रहे हैं, गीता का पाठ, यही इस्लाम वाले भी कुरान पढ़ करके सुनाते, सूरह यासीन पढ़ करके सुनाया जाता है उसको, तो वो जो पढ़ेंगे तो लाभ उनको होगा, वो तो बेचारे खुद भोग रहे हैं, वो खुद परेशान हैं, उसके प्राण निकलने वाले हैं, उस कष्ट को कोई अनुभव नहीं कर सकता, वो जिसके साथ होता है वो वही जानता है, उस कष्ट को अनुभव करने के लिए वो परेशान है, वो छटपटा रहे हैं, वो किस तरीके से प्राण निकले और कैसा निकले, वो तो उसके पास आप गीता पढ़िए, वेद पढ़िए, कुरान पढ़िए, बाइबल पढ़िए, रामायण महाभारत जो कुछ भी पढ़िए, उससे कुछ भी असर पड़ने वाला नहीं है।
जो पढ़ेगा लाभ उसको होगा, जो खाएगा पेट उसका भरेगा किसी और का, ये भी बेतुकी बातें हैं, इसलिए उसको लाभ नहीं है। पंकज जी नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते साहब। पंकज जी बहुत धन्यवाद आपको, आप तो मेरे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और जुड़े हुए हैं ही, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी नमस्कार। विपिन विपिन ध्यानी भाई नमस्कार शब्द जो है, मैं बोला ना कि ये वाक्पूर्ण नहीं है, नमस्ते वाक्पूर्ण है, तो नमस्ते करने में क्या परेशानी होती आप लोगों को ये मैं नहीं समझ पाया। ये अंकित रस्तोगी जी लिखते हैं, ओम नमस्ते आदरणीय पंडित जी, आपके साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं परंतु जमनी स्तर पर आप द्वारा किए कार्य का प्रचार करने का प्रयास जारी रहेगा मेरी मेरी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी आपको। और भंवर आदर्श चंदेल जी नमस्ते पंडित जी, जी जी नमस्ते। यहाँ विजय आर्य जी लिखते हैं, गुरु जी किसी मुसलमान के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए इस्लाम के बारे में। आप शास्त्रार्थ करेंगे तो उसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। हाँ इंस्पेक्टर साहब नमस्ते, मलिक साहब ये हाँ बिल्कुल वीडियो चालू है इसमें, यूट्यूब फेसबुक में देखिए, यूट्यूब में अभी लगा नहीं है, फेसबुक में फेसबुक लाइव में चल रहा है। ये आकाश जी क्या लिखते हैं, महाराज आदम की कल्पना ना तो आध्यात्मिक रूप से सिद्ध की जा सकती है और ना ही वैज्ञानिक, इस्लामिक दुर्भाग्यवश इस सिद्धांत को मानने वाले बहुसंख्यक हैं। भाई होंगे बहुसंख्यक, लेकिन बहुसंख्यक होने से जो गलत को सिद्ध सही सिद्ध करेंगे ऐसा तो संभव नहीं है, इसलिए तो मैं तो चुनौती दिया हूं कि इसी कुरान को कलामुल्ला सिद्ध करके दिखाओ, इस्लाम को धर्म सिद्ध करके दिखाओ, और कोई सामने आ नहीं रहा है, वो भी आप लोग सब देख रहे हैं, समय दे करके भी नहीं आ रहे हैं, और वहां चिलपोप किए जा रहे हैं, कोई वीडियो बना करके डाल रहा है, कहीं महेंद्र पाल का कोई मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, कोई महेंद्र पाल को जवाब बता रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं हुई है अब तक, तो आप लोगों को भी पता चल चुका है। इसीलिए मैं निरंतर फेसबुक में पोस्ट लिख रहा हूं कि धर्म क्या है, धर्म किनके लिए है, धर्म की आवश्यकता क्यों है और धर्म का तात्पर्य क्यों है, उस पर मैं निरंतर पिछले 25 जून से ये लेख लिख रहा हूं, बीच में 2-3 दिन गैप हो गया था, 4-5-6 को 2 दिन मैं लिखा नहीं था, 7 तारीख से फिर लिखना शुरू किया, ये सारा आप लोगों को लिख करके दिया हूं। उसमें आप देख रहे हैं कि धर्म के साधना पक्ष को क्या है, जो साधना पक्ष हमारा है वो साधना पक्ष में के परमात्मा से किस तरीके से जुड़ना है, साधना क्या करना है, कैसे करना है, और उसी साधना पक्ष में ये नमाज बता रहे हैं, उसी साधना पक्ष को ये कुर्बानी भी कह रहे हैं, ये कुर्बानी देने से अल्लाह संतुष्ट होते हैं आदि आदि, तो वो क्यों और कैसा है उस पर मैं लिखा हूं। हिमांशु जी क्या लिखते हैं कि विकास विवेक, अच्छा ये सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी आपको। और ये कुमार साहब ये लिखते हैं, नमस्ते जी नमस्ते। विपिन ध्यानी जी, पंडित जी क्या सत्यार्थ प्रकाश उर्दू भाषा में उपलब्ध है? जी हाँ, उर्दू भाषा में सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके ही मैं आप लोगों को पाया हूं। फिर सुनिए विपिन जी, उर्दू भाषा में सत्यार्थ प्रकाश को पा करके मैं आप लोगों को पाया हूं, आप लोगों को मैं नहीं पा सकता था। उर्दू वाली सत्तार प्रकाश से ही मैं आप लोगों को पाया हूं, आप लोगों के साथ जुड़ा हूं, आप लोगों के स्नेह को प्राप्त कर रहा हूं। यहाँ विजय आर्य जी क्या लिखते हैं, अल्लाह इंसान इंसानी बातों को सुनता, हाँ तो ठीक है इंसानी बातों को सुनता है, अल्लाह तो बातें भी करते हैं, पर परमात्मा का बात करना नहीं है। इन्होंने सूरा 58 का 1-2 आयत का नंबर दिया है, सुनते हैं अल्लाह तो बातें भी करते हैं। मैं बताया था पिछले दिन, आज 2 दिन पहले जो वीडियो बना के दिया उसमें भी मैं बताया कि अल्लाह तो मोहम्मद साहब से भी बात कर रहे हैं,
अल्लाह तो सलाम भेजते हैं, अल्लाह तो सलाम करते हैं, अल्लाह दरूद भेजते हैं, ये सब आदि आदि है। तो यहाँ परमेश्वर के साथ ये सब सिद्ध नहीं होना संभव नहीं है। पंकज सैनी जी के सभी मित्र प्रश्न उत्तर की इस क्रम को सफल बनाने हेतु अपने प्रश्न करें। विषय वेद कुरान बाइबल में कौन सा ईश्वरीय ग्रंथ है? जी हाँ, मोक्ष क्या है, रामकृष्ण का धर्म क्या था आदि आदि। जी सैनी साहब आपको बहुत बहुत नमस्ते। मोक्ष पर अभी सुदर्शन न्यूज चैनल में 2 दिन पहले मेरा एक प्रोग्राम था, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें लोग जबरदस्ती कुछ कर रहे थे, जबरदस्ती बताए जा रहे थे इस्लाम और ईसाइयत की बातों को। भाई इस्लाम और ईसाई, मैं बोला कि मोक्ष शब्द जो है वो सिवाय वैदिक धर्म को छोड़कर कहीं नहीं है, ना वो जानते हैं ना वहां ये शब्द है। तो झूठ मूठ वहां पर बखेड़ा किया जा रहा था, यहाँ ये वो कोई 72 हूरे बता रहे। अरे काफिरों को कैसा हूर मिल जाएगा? काफिर जन्नत में जाने वाले हैं क्या? इस्लाम को जानते नहीं है, सभी जानकार बता रहे हैं अपने को, सब ये टांग अड़ा रहे हैं, यानी अनाधिकार चेष्टा किए जा रहे हैं। अरे जो विषय तुम्हारा नहीं है उस पर क्यों टांग अड़ाते हो? ऐसे ही गुड़गांव जिला का पुनाना का एक लड़का फंसा हुआ है, वो उसके 20 तारीख को केस का हेयरिंग है, उस पर भी लोग चैप हो गए। और ऐसे ही बहुत से लोग करते हैं कि जिन बातों को जानते नहीं है, जिसकी जानकारी नहीं है, उसी को ही उठा करके वो अपना अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं। अरे तेरा अधिकार कहाँ है? जैसे छोटी सी बात है कि मैं अगर वेदभाष करने लगूं तो लोग क्या कहेंगे? इस तरीके से वेदभाष करने के लिए पहले वेद को जानना पड़ेगा, संस्कृतज्ञ विद्वान बनना पड़ेगा, अष्टाध्यायी महाभाष्य पढ़ना पड़ेगा, व्याकरण आदि को पढ़ने होंगे, तभी वेद का भाष किया जाना संभव है। ये अरबी का क्या जानते हैं? अरबी का आलिफ तक नहीं जानते हैं और इस्लाम पर ढींग हाके जा रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ये सब अनाधिकार चेष्टा है, मैं इसे सहमत नहीं हूँ। और ये जो करते हैं वो जिम्मेदारी उनकी है, वो अपने हिसाब से वो करे कराए, हमें नहीं मालूम कि क्या करना है, क्या बोलना है, क्या बोले हैं। आप बोले हैं तो आप भुक्तभोगी हैं, मैं उसमें क्यों टांग अड़ाने जाऊं? जो आप जानकारी रख करके बोलते होते तो बात बनती, आप जानकारी रखते नहीं है, लेकिन अनाधिकार चेष्टा, हम भी जानते हैं। और ये एक यादव जी हैं, वो कुरान खोल खोल करके दिखा रहे, जबकि पढ़ना भी नहीं आता, राहुल को भी पढ़ना नहीं आता, या और जितने भी हैं किसी को भी कुरान पढ़ना नहीं आता है। तो कुरान पढ़ना नहीं आता तो किताब से उठा करके देना, नंबर बताना क्या जरूरी है? उस पर अनाधिकार चेष्टा क्यों कर? अपने बारे में जानते हो, अपने नानी के नाम याद आ जाएंगे अभी पूछने पर सवाल। ये सब बेतुकी बातें हैं, इसे मैं वो कल से मेरे पीछे पड़ा है कि पंडित जी आप ही मेरा एक खवैया है, आप ही आइए, आप मेरा सहयोग करिए। भाई तुमने बोला, तुम बोलते समय, लिखते समय, पोस्ट करते समय मुझे पूछा था क्या कि मैं ये लिख रहा हूं, कि मैं ये बोल रहा हूं, या किसी ने लिखा है कि मैं उसको शेयर कर रहा हूं? मुझे पूछा था? जब मुझे पूछा नहीं था तो आप फंस गए तो मुझे क्यों याद कर रहे हो? भोगो फिर अपने आप, मैं इसमें नहीं हूं। उत्तर रामायण या उत्तर कांड की सत्यता पर मैंने अलग मत सुने हैं। ये हमारे देवेंद्र जी लिखते हैं, भारद्वाज जी, कि देखिए हमारे यहाँ पर रामायण या महाभारत को ईश्वरीय ग्रंथ नहीं माना, धर्म ग्रंथ भी नहीं माना। हमारे यहाँ पर उसको धार्मिक ग्रंथ नहीं कहा जाता है, धार्मिक ग्रंथ नहीं है वो। धार्मिक ग्रंथ ऋषि दयानंद ने केवल श्रुति स्मृति बताया है। वेद के बाद अगर किसी ग्रंथ की मान्यता ऋषि के पास है तो वो केवल मनुस्मृति की है। और गीता हमारा आचार संहिता है, लेकिन उस गीता में मिलावट किया गया है। गीता पर में जहां पर ईश्वर का दावा किया है कृष्ण ने, वो झूठ है, वो मिलावट है, प्रक्षिप्त है, उसे हम नहीं मानते हैं। और ऋषि दयानंद की दृष्टि में उसकी कोई मान्यता नहीं है। इसीलिए पहले सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से ही आपको जानकारी मिलेगी, धर्म क्या है, धर्म ग्रंथ क्या है, ईश्वर कौन है, ईश्वर का नाम क्या है, ईश्वर के गुण क्या है। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 2 समुल्लासों में इन बातों का स्पष्टीकरण दिया, 1 समुल्लास में और 7 समुल्लास में। लेकिन मैं एक सिद्धांत की बात आज आप लोगों को और बता रहा हूं, जो ये किसी आर्य समाज के विद्वानों से शायद अब तक नहीं मिला होगा आप लोगों को। आर्य समाज में भी विद्वानों की कमी नहीं है, लेकिन सिद्धांत की जानकारों की कमी है। बहुत अच्छे अच्छे आचार्यों को मैं देखा, वैदिक सिद्धांत का 7 तक नहीं जानते, वैदिक मान्यता को वो बिल्कुल नहीं जानते हैं। जैसे मैं वो छोटा उदाहरण दे रहा हूं, और वो उदाहरण ये है कि लोग ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं,
बिल्कुल ईशावासम इदम सर्वम है, वेद में आया है, पर ईश्वर को मूर्ति के अंदर मानते हैं, पर ईश्वर मूर्ति में भी है, मूर्ति से बाहर है। लेकिन यहां ऋषि की मान्यता क्या है वो सुनिएगा। ऋषि ये बता रहे हैं कि जो लोग यह मानते हैं कि मूर्ति के अंदर ईश्वर है, वो लोग सही अर्थों में ईश्वर के दायरा को छोटा बनाना चाहते हैं। सातवां समुल्लास को पढ़िएगा। ऋषि नारायण कह रहे हैं कि जब ईश्वर का ही ये विश्व है, ये ब्रह्मांड ईश्वर का है, और ऐसे विशाल ऐसे विराट ईश्वर को एक मूर्ति के अंदर में डालो तो उसकी पैमाइश छोटी नहीं हो जाएगी क्या? इसलिए ब्रह्मांड हिरण्यगर्भ उसी कहा गया है कि ये ब्रह्मांड तो परमात्मा के अंदर है, इसलिए मूर्ति के अंदर में परमात्मा, ये परमात्मा का दायरा छोटा करना हो जाएगा। इसलिए इस सिद्धांत पक्ष को जानना बहुत जरूरी है। ऋषि दयानंद इस सिद्धांत पक्ष को ही उजागर करते हुए संपूर्ण विश्व के आंगन में दुनिया वालों के सामने रखा है कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है। वेद के अतिरिक्त ईश्वरीय ज्ञान का होना संभव ही नहीं है, क्योंकि वेद में ही यही आदेश और निषेध बताया गया है। लाल भरत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने ज्वाइन किया है। शिव कुमार यादव, विजय जी, पंडित जी, मुसलमान गाय और इंसान की हत्या क्यों करते हैं? भाई क्यों करते हैं साहब, ये तो उनको ही पूछना पड़ेगा। मुसलमान क्यों ज्यादा हत्या करते हैं? और जी और आर्य जी, मुझे समझ में नहीं आता है। तो आपको समझ में नहीं आता है तो फिर इसकी जिम्मेदार मैं थोड़ा ही हूं। शिव कुमार जी, आप अपनी समझदारी बढ़ाइए, समझने का प्रयास कीजिए। और ये आज मैं लिखा हूं, उसमें भी दिया हूं कि हत्या करते, वहां हत्या का तो हुक्म अल्लाह का है। انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اوحل به لغير الله والمنخنقات والموقوذات والمترديات وما اكل السبع الا ما زكيتم وما ذبح على النصب। सूरह मायदा आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया। आज मेरा धर्म का जो साधना पक्ष है उसमें मैं लिखा हूं, कल भी लिखा था, आज भी लिखा हूं, पर आज दूसरा उसी प्रकरण को आगे बढ़ाया। यहां संजय जी क्या लिख रहे हैं? पंडित जी, इस्लाम शांति और भाईचारे से क्यों नहीं चाहता? जहां जाओ वहां मार काट क्यों करते हैं? क्यों करते हैं उसके जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इन इस्लाम वालों से पूछिएगा कि इस्लाम वाले कहते हैं कि इस्लाम के माने शांति का है, तो भाई इस्लाम के माने शांति अगर है तो फिर ये अशांति क्यों फैला रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इस्लाम शांति है या अशांति है? जहां तक एक बात मैं आप लोगों को और बता देता हूं संजय जी, जो इस्लाम के संदर्भ में लोग कहते हैं कि इस्लाम भाईचारा का धर्म है, ये बिल्कुल कोरा झूठ है, बकवास है। इस्लाम में भाईचारा नहीं है। क्यों? कि भाईचारा अगर ये आपस में ही नहीं रख पाते तो औरों के साथ क्या रखेंगे? अरे शिया और सुन्नी में मतभेद है, आपस में भाईचारा नहीं है, एक दूसरे के मस्जिद में नमाज तक नहीं पढ़ सकते, एक दूसरे के कब्रिस्तान में मुर्दा दफन भी नहीं कर सकते, कहां भाईचारा है? ये आपस में ही भाईचारा नहीं रखते तो आपके साथ क्या भाईचारा रखेंगे? अगर ये भाईचारा है और भाईचारा के लिए ये कह रहे हैं कि इस्लाम भाईचारा का धर्म है, तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि भारत में आज तक किसी मुसलमानों ने होली, दीपावली या कोई हिंदुओं के पर्व को मनाया है? जिम्मेदारी के साथ बोलना, किसी हिंदू मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया है? पर ये हिंदू नालायक मूर्ख हिंदू अवतार करा रहे, जैसे उनके मां का कोई रिश्तेदार है, उनको अवतार खिला रहे हैं। पिछले दिन लखनऊ में एक बार ऐसा ही हुआ, वो किसी दर्जी को कपड़ा सिलने के लिए दिया है और वो कपड़ा उसको सिल करके नहीं दे पाया, मुसलमान था दर्जी, उसने बोला कि हम सुबह भोर में सहरी करते हैं और फिर ये दिन भर रोजा रखते हैं, ये आपको सिल करके नहीं दे पाया, और वो सब रोजे के बारे में उसने बताया। और ये हिंदू अकलमंद कितना है देखिए, वो अगला दिन से क्या क्या माइक, जो छोटा माइक होता है ना कंधे पे लगा कर बोलने का, वो लेकर के भोर में 4 बजे जगा रहा है सहरी खाने के लिए। ये इतना अकल का दुश्मन है, ये भाईचारा है तो हिंदू जिस काम को कर रहा है इस काम को मुसलमान करके दिखाए ना, मुसलमान क्यों नहीं कर रहा है अगर भाईचारा है तो? मक्का मदीना में जाना चाहो कोई मुसलमान को दे दे पासपोर्ट, तो अनुमति जाने की दे दे, तो मक्का और मदीना तक, मक्का और मदीना जाने की अनुमति नहीं काफिरों को, खालसाओं को, हिंदुओं को, क्यों? तो काहे का भाईचारा है, किस बात की भाईचारा है?
ये तो कोरा झूठ है। इसीलिए तो मैंने बोला ना कि अगर सरकारी तंत्र के माध्यम से अगर ये डिबेट खुली चुनौती दे दिया जाए संपूर्ण विश्व के आंगन में, मैं इन लोगों की बोलती बंद करा दूंगा। वेद के सामने मैं आज तक खाता खोलने नहीं दिया किसी को, और ना खाता कोई खोल पाएगा। ये श्याम सुंदर जी क्या लिख रहे हैं? पंडित जी नमस्ते, आपकी मेहनत निरर्थक नहीं जाएगी। बांगर मऊ की जनता को, जनता की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाई बांगर मऊ, वो तो मैं जान रहा हूँ, वहां रात को 1 बज रहा था, मुझे बोले कि भाई अजान सुना है, काफी दिन हो गया, अजान सुना दो। तो ये अगला दिन गए सब वहां थाने में, और इन्होंने जा करके बोला कि रात को 1 बज रहा था, उस समय अजान दिया, हम लोग सोचे कि फजर का समय हो गया, गए वहां। इस तरीके से हम लोगों की तौहीनी हुई। तो भाई तौहीनी हुई, क्या हुई नहीं हुई, तो इस तरीके से ये बांगर मऊ का ये कांड था हमारा। उन दिनों में मैं कानपुर में ही रहा करता था, तो बांगर मऊ वालों को बहुत बहुत धन्यवाद है, आर्य निर्भीक जी, श्याम सुंदर जी को, कि बांगर मऊ मेरे महेंद्र पाल के जीवन के इतिहास में एक कलम लिखा हुआ है। और बांगर मऊ में फिर मैं गया हूँ, हमारे भाई सुशील आर्यवीर जी बांगर मऊ के हैं, अमरेश जी भी बांगर मऊ के हैं, रामगोपाल जी भी बांगर मऊ के हैं। मैं रामगोपाल जी के भी पास गया हूँ और मिश्री लाल जी के भी पास गया हूँ। देखिए ये आपस में ही आर्य समाज वहां दो बना हुआ है, किस बात की झगड़ा है मैं नहीं जानता हूँ। भाई वहां झगड़ा क्या देखने जाएंगे, सार्वदेशिक से लेकर के नीचे तक देखिए ना, कौन से यूनिट में झगड़ा नहीं है भाई। ये आर्य समाजी तो केवल संपत्ति को कब्जा करने के लिए ही आर्य समाज में आए हुए हैं, आर्य समाज के अधिकारी बने हुए हैं। झगड़ा सब जगह है, कोई कहीं उत्सव मना रहा है, कोई कहीं उत्सव मना रहा है। आर्य समाज नामी संस्था ऋषि दयानंद ने बना करके दिया, उससे भी आर्य समाजी संतुष्ट नहीं है। कोई अलग से और संस्था बना रहे हैं, कहीं कोई निर्मात्री बना रहे हैं, कहीं कोई पितृ बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं। ऋषि दयानंद से कहा कोई संतुष्ट है? हाँ विवेक बंधु जी क्या लिख रहे हैं? पंडित जी नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मा, पंडित जी नमाज, अच्छो नमाज के बारे में बताएं। नमाज के बारे में क्या बताएंगे, नमाज इबादत नहीं है। नमाज में उठा बैठी में ही ध्यान लगा रहेगा, ईश्वर के तरफ ध्यान जाना संभव नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ ऋषियों ने बोला है ध्यानम निर्विषय मना, अपने मन को निर्विषयी बना देना, अपने मन को केंद्रित कर लेना, अपने मन को ईश्वर के तरफ लगाना, उसका नाम ध्यान है। तो नमाज में तो उठा बैठी में ही ध्यान लगा रहेगा, ईश्वर के तरफ कहाँ जाना है ध्यान, और वो भी उठा बैठी नहीं। क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कब कायदे में बैठना है, कब कायदे में बैठ करके क्या बोलना है, रुकू में क्या बोलना है, सिजदा में क्या बोलना है, और वो खड़ा होने होते समय क्या बोलना है, तो केवल वहां ध्यान बटा हुआ है, ध्यान ईश्वर के तरफ जाना संभव ही नहीं है। इसीलिए तो मैं ये कहूंगा कि अबरू के मेहराब में नमाज वो सीधा अदा करना जायज है। ये क्या बेवकूफी की बात करता है कि तू उठता और बैठता है, इसलिए वो इबादत नहीं है। श्याम सिन्हा जी क्या लिखे हैं? सौरभ गुप्ता फ्रॉम नागौर, प्रणाम प्रणाम जी। आर्य हिमांशु जी क्या लिखते हैं? नमस्ते जी। नमस्ते जी भी आर्य जी। कमलेश नरानिया, पंडित जी अल तकिया क्या होता है, कृपया समझाएं। भाई तकिया क्या होता है, या बिछोना क्या हो जाता है, ये तो उन्हीं लोगों से पूछिए कि अल तकिया क्या है। कहावत मुहावरा, उसको अल तकिया कहा जाता है, महावीरा को। रोहित निर्मल जी, पंडित जी अगर मनुष्य को परमेश्वर कर्म के हिसाब से फल देते हैं तो वह अपने आप सजा पा जाएंगे, चाहे किसी भी मजहब को मानने वाला हो, क्यों मनुष्य को इतना दिमाग लगाने की जरूरत क्या है। जी बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया है, लेकिन आप जो समझ करके सवाल किए रहे हैं वो नहीं है। परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने में स्वतंत्र छोड़ा है, लेकिन फल मनुष्य अपने आप नहीं ले सकता, अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य फल नहीं ले सकता। फल दाता परमात्मा है,
क्योंकि हम जितना कर्म करेंगे उसका उसकी जो सजा है वो सजा अगर ज्यादा हो उसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा। इसीलिए परमात्मा जीव आत्मा को कर्म करने में स्वतंत्र छोड़ा है कर्म में, और फल भोगने में प्रतंत्र है। फल ईश्वर उसके कर्म कर्मों के अनुसार देंगे, ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम। जो जितना करेगा अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना है कि वे कर्मों का फल शुभ हो और अशुभ हो। अब रही बात यहाँ पर आपने लिखा है कि सजा भोगेगा मजहब को मानने वाला, मजहब को कोई भी मजहब को मानने वाला हो सकता है वो, हाँ कोई भी मजहब को मानने वाला हो सकता है, लेकिन मनुष्य का सारा दारो मदार जुड़ा हुआ है सत्य से। अगर सत्य को नहीं अपनाता तो वो सजावार है, खतावार है, वो बख्शने के लायक नहीं है। इसीलिए सत्य को जानना, हमारे यहां देखेंगे सारे ऋषि मुनियों ने इसी पर ही बल दिया है, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच श्रद्धा तप संतोष ईश्वर प्रणिधान, मुख्य रूप से पातंजलि की योग दर्शन में इन सब बातों की चर्चा पातंजलि ऋषि ने की है। जो योग के 8 अंग हैं उन 8 अंगों को सुनने में बड़ा आसान है, मैंने कल बताया था, उन 8 अंगों को पाने के लिए तो 9 बाधाएं हैं। वहां पर अकर्मण्यता, आलस, प्रमाद, भ्रांति दर्शन, ये सब बाधक है। तो ये एक जगह अगर जो एंगल के साथ एंगल कड़ी के साथ कड़ी जुड़ी हुई है अगर कहीं टूट जाता है तो फिर शुरू से करना पड़ेगा। इसलिए यहां धर्म को मानना जरूरी है, मजहब नहीं, धर्म को मानना जरूरी है। धर्म के आधार पर ही इन चीजों को पाया जाना संभव है, अगर धर्म नहीं तो इन चीजों को पाया जाना संभव नहीं होगा। तो धर्म को जानना ये मनुष्य मात्र के लिए कर्तव्य है, क्योंकि मनुष्य धर्म से ही जुड़ा हुआ है और धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, कोई मनुष्य के द्वारा धर्म तैयार हो यह संभव नहीं है। इसीलिए धर्म का आधार परमात्मा है। और मैं निरंतर 25 तारीख से जो लिख रहा हूं, लिख करके दे रहा हूं आप लोगों को फेसबुक में, उसमें आप देखेंगे, और मेरा बहुत सारा वीडियो इससे पहले भी लगा हुआ है, कि धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है, व्यक्ति विशेष के द्वारा कोई धर्म नहीं होता, धर्म परमात्मा के द्वारा होता है, उस पर आचरण करने वाला मानव है। और परमात्मा ने धर्म को बनाया मनुष्य मात्र के लिए, किसी पशु पक्षियों के लिए धर्म नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा है कि आहार निद्रा भय मैथुनांच सामान्य मेतत पशु भी नर नाम धर्म हितेशा मदी को विशेषो धर्मे नहीना पशु भी समाना। यानी आहार निद्रा भय और मैथुन, ये 4 चीज मनुष्य मात्र के साथ जुड़ा हुआ है और पशुओं के साथ भी जुड़ा हुआ है। हम मनुष्य आहार करते हैं, पशुओं को भी चारा डालना पड़ता है। हम निद्रा जाते हैं, पशुओं को भी सोते हुए देखते हैं। भय इंसान को है और पशुओं को भी डर है। और सेक्स पावर, संतान उत्पत्ति करने की क्षमता मनुष्य में है और पशुओं में भी है। लेकिन मनुष्य ही जानता है कौन मेरी माँ है, कौन मेरा बहन है, कौन मेरे पिता हैं, कौन मेरे भाई हैं, कौन मेरे इष्ट हैं, कौन मेरे मित्र हैं, यह केवल मानव जानता है, पशु नहीं जानता। अभी मैं अपने मित्र के पास एक जगह गया था, हमारे पड़ोस में ही, और अपने मित्र से बात कर रहा था, तो उनके सामने वाले मकान में झगड़ा हो रहा था। तो मैंने अपने मित्र से पूछा कि भाई ये झगड़ा किस लिए है, तो बोले पंडित जी क्या बताएं, इस परिवार में झगड़ा ये है कि एक महिला के 2 पति हैं। मैं सुनकर के बड़ा हैरान हुआ, भाई ये तो सुनने में आया था कि एक पुरुष के 2-3 पति, 4 पति, इस्लाम में तो 4 पति पत्नी को रखा जा सकता है, एक पुरुष के 2-3-4 पत्नियां होती हैं, लेकिन एक महिला के 2 पति, ये तो हैरानी की बात है। पर इसी का नाम अधर्म है, समझ रहे ना, इसी को ही अधर्म कहा जाता है। इसीलिए धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है, धर्म किसी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ नहीं होता। यहाँ अंकित जी क्या लिख रहे हैं, गुरुजी कुरान को नाजिल होने में कितने समय लगे थे, जिससे यह मान्यता है, और इस महीने जोड़े रखते हैं। कुरान को लगभग 11 साल हुआ है नाजिल होने में, लेकिन यहाँ कुरान से ही आप देखेंगे कि अल्लाह जहाँ है, अल्लाह तक पहुंचने के लिए फरिश्तों को कहीं 50,000 साल लिखा है और कहीं 1,000 साल लिखा है। तो जब एक बार अल्लाह फरिश्तों को जाने में
अल्लाह तक पहुंचने में 50,000 साल लगते हैं या 1,000 साल लगते हैं, ये भी ठीक नहीं है। अल्लाह को गिनती नहीं आती, ना इस्लाम वालों को गिनती आती है। 1,000 और 50,000 में अंतर है या नहीं है, पढ़े लिखे लोग विचार करेंगे। तो जब एक बार जाने में इतने वर्ष लग जाते हैं, तो फिर 11 साल में या 13 साल में या मोहम्मद साहब के जीवन काल में इस कुरान का उतरना, नाजिल होना, पूरा होना, आना, ये क्यों और कैसे संभव होगा? ये सब विचारणीय बात है। क्या वृक्षों में जीव हैं? कुछ आर्य मानते हैं, कुछ नहीं। ये नरेंद्र जी लिखते हैं, या वृक्षों को स्थावर योनि बताया गया है। वृक्ष स्थावर योनि है, जो सुख दुख लाभ और हानि को नहीं जानते। सुख दुख लाभ और हानि का आभास वृक्ष को नहीं होता है, लेकिन वृक्ष में जीव है, जिसको स्थावर योनि ऋषि रैना ने लिखा है। सत्या प्रकाश के नवा समोल्लास पढ़ लीजिएगा। यहाँ भावी बाबू धर्मवीर जी भी जुड़े हैं, क्या लिख रहे हैं कि नमस्ते गुरु जी, नमस्ते पहलवान धर्मवीर जी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, मैं तो फोटो सही देख लिया था, पहचान गया था। बाबू हिमांशु जी भी ज्वाइन कर गए हैं। ये आकाश रतोदी भारद्वाज जी कहते, अच्छा महाराज एक प्रश्न है कि एक हदीस में मैंने पढ़ा था कि इमाम आदिल हो या जाहिल, जाहिल जिहाद कायम करेगा। इसका अर्थ इतना स्पष्ट है कि सरलता से समझा जा सकता है। तो ये प्रश्न है कि अब भी सेकुलर समझ क्यों नहीं रहे हैं? अब सेकुलर समझ क्यों नहीं रहे हैं, तो उनको सेकुलरवादी को ही पूछना पड़ेगा। सेकुलर नहीं है, मैं तो बोला हूं, कई वीडियो मेरा लगा हुआ है, ये सेकुलर नहीं है, ये कूलर बन गए। से इनका अलग हो गया और ये अलग हो गए, इनको सेकुलर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। जो धर्म को नहीं मानता, और कोई कहते हैं कि हमारे मानसिकता पर कुठार लगाता है, हमारी भावना पर कुठार लगाता है। भाई आपकी भावना क्या है? भावना के साथ धर्म का कोई कोसों कोसों दूर तक ताल्लुक नहीं है। सुनिएगा, आपकी भावना है कि मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। अगर यही भावना आपकी है, आपकी मान्यता है, तो एक मुट्ठी रेत हाथ में ले लीजिए और कहिए कि मानो तो चीनी, ना मानो तो रेत। आपका दादाजी भी उस रेत को चीनी नहीं बना सकते। कहां रह गई आपकी भावना? इसलिए बिल्कुल बेकार और फजूल की बात है। जो गुरु जी नमस्ते, नमस्कार क्या अंतर है? नमस्कार में अंतर यह है कि नमस्कार वाक्य पूर्ण नहीं है। जब तक आप बोलेंगे आपको नमस्कार, तब बात बनेगी। तो जब नमस्ते शब्द पूर्ण है, वाक्य पूर्ण है, पर हम किसी और का सहारा क्यों लें, और का सहयोग क्यों लें? इसलिए आप देखेंगे उस नमस्कार के ऊपर भाई सतपाल पथिक जी ने गीत लिखा है कि नमस्कार भगवान तुझे भक्तों का बारंबार हो। उसका स्पष्टीकरण वहां दिया है कि किसको नमस्कार हो। जब बोलना पड़ेगा तभी बात बनेगी। ये आर्य समाजी गीता मां पनी मिसावट छ, ये भाई नेपाली है कोई। हाँ, गीता में मिलावट है जनेंद्र जी, गीता में मिलावट किया है लोगों ने। ये राम मनोहर जी लिखते, प्रमाण गुरु जी, क्या हम धर्म निरपेक्ष हैं? क्या कोई धर्म निरपेक्ष हो सकता है? अच्छा साहब, एक बार जरा विचार करके देखिए कि धर्म निरपेक्ष ये लोग कहाँ हैं? लोकसभा में, विधानसभा में, या राज्यसभा में, या अपने घर में निरपेक्ष हैं क्या धर्म? अपने घर में जाकर पति को पति मानते हैं, पत्नी को पत्नी मानते हैं, माँ को माँ कहते हैं, माँ मानते हैं, तो फिर धर्म निरपेक्ष इनका कहाँ है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में, अपने घर में नहीं है। इसलिए धर्म निरपेक्ष शब्द ही गलत है। कोई मानव धर्म से निरपेक्ष हो नहीं सकता। धर्म सापेक्ष है और रहेगा। धर्म के साथ निरपेक्षता की कोई सवाल ही नहीं है। ये तो दुनिया जानती नहीं है, और दूरदर्शन वाले भी इस सच्चाई को उजागर नहीं कर रहे हैं। इसीलिए सुदर्शन न्यूज चैनल में सुरेश जी ने बहुत स्पष्टीकरण दी कि सत्य को उजागर करना ही हमारा मकसद और उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन सत्य पर पर्दा हर कोई मिल करके डाल रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। ये सारे चैनल वाले यही कर रहे हैं। ये अनिल ज्वल जी, एक रिपोर्टर आई है कि हमारे
देश में 95 रेप मुस्लिम का हाथ है, होगा 95 क्यों, 100% बोल दे तो क्या फर्क पड़ रहा है, वो करते हुए देख रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं लोग। पंडित जी नमस्कार। नमस्ते जी सर, जय श्री राम। ये नाग भट्ट कौन है भाई? जय श्री राम। जय श्री राम क्या है, अभिवादन है? जय जानकी बोलने से क्या दोष है? जय हनुमान बोलेंगे तो क्या दोष है? अरे तुम्हारा अभिवादन एक नहीं है, तुम चुल्लू पर पानी में डूब मरो, तुम्हारा अभिवादन ही एक नहीं है, तुम क्या करोगे मैं नहीं समझ पा रहा हूं। प्रणाम पंडित जी। नमस्ते जी। नमस्ते संजय, क्यों लिखते हैं आप? ग्रेट हो पंडित जी, नमन आपको। नहीं यार, ये तो आपकी महानता है संजय जी। ये नरेश शर्मा जी, हर हर महादेव, देखो वो जय श्री राम लिखा और ये हर हर महादेव। हर हर का क्या मतलब है ये हिंदू जानता नहीं है इस चीज को, और ना जानने का प्रयास करता है। जिस सच्चाई से कोसों दूर हैं, ये मैं नहीं समझ पाया कि ये क्या करेंगे। ऋषियों की जीवनी को पढ़ करके नहीं देखा। नमस्ते जब विवेक जी, नमस्ते। सन्यासी पलाश, प्रणाम गुरु जी। ये जी नमस्ते। बसौद में भी आना है कभी? बसौद कहाँ है भाई, मैं नहीं जानता। कोई बुलाएंगे तो आएंगे, कार्यक्रम रखिए तो आएंगे। एक सवाल मैंने बहुत से मुस्लिम से पूछा परंतु उत्तर नहीं मिला। सवाल है, क्या अल्लाह ने कोई नबी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मारा? तो मत, इसके ऊपर मेरा वीडियो लगा हुआ है। वहां अल्लाह ने कहा सूरह इब्राहिम आयत नंबर 4 में, और भी आया है, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिना लहुम। जो इब्राहिम ने मेरे वीडियो मेरे ऊपर उन्होंने जवाब के रूप में बनाया है, उसमें भी बोला कि ऋषियों को भी आवश्यकता पड़ी, अल्लाह ने पैगंबर भेजा। यहाँ अल्लाह ने कहा है कि वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिना लहुम, कि अल्लाह ताला ने हर एक कौम की जुबान में रसूल भेजा है। तो मैंने पूछा कि हिंदी में किस, हिंदी जुबान में किस रसूल को भेजे, या संस्कृत जुबान में किस रसूल को भेजे, जो संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, उस संस्कृत जुबान में किस रसूल को भेजा गया, कोई मुसलमान बता दे। मैं कयामत तक समय दे रखा हूं, ये नहीं दे पाएंगे जवाब, और भेजा ही नहीं तो जवाब देंगे कहां से। वेद सब सत्विद्याओं का ईश्वरीय ज्ञान है, वेद ही मानव मात्र की ही नहीं, प्राणी मात्र के कल्याण की निहित है। आपसे आर्थिक आपके सार्थक उद्बोधन के लिए साधुवाद। नमस्ते। नरेंद्र सिंह आर्य जी लिखते हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ नरेंद्र जी आपका, आपने बहुत ठीक लिखा है कि ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के तीसरा नियम में भी लिखा है कि वेद सब सत्विद्याओं की पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। लेकिन वेद का प्रचार करने के बजाय केवल जलसा मनाने के लिए अभी इधर उधर सब भागे भागे फिर रहे हैं, और कुछ लोग मना रहे हैं। यहाँ 8, 9, 10 को मनाया जा रहा है, वहां पुरपुर कांगड़ी में, और लोग कहाँ कहाँ मना रहे हैं, कहीं मनाने की तैयारी है, ये क्या कर रहे हैं ये वही लोग जाने। जब ऋषि दयानंद ने वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना आर्यों का परम धर्म लिखा है। जय आर्य समाज। ठीक है भाई। पंडित जी, क्या हमारे यहाँ कभी कोई महिला ऋषिका? जी बहुत बहुत ऋषिकाएं हुई हैं भाई। विजय जी, हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऋषिकाएं हुई हैं। राम राम। नमस्ते पंडित जी, जाकिर नाइक को पकड़कर भारत लाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? भाई मैं क्या कहूंगा, जाकिर नाइक को तो भारत छुड़ाने वाला मैं हूं। जाकिर नाइक पर भारत सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया है ना, तो उसने टैक्स चोरी के इसीलिए प्रतिबंध लगाया है। लेकिन जाकिर नाइक पर, जाकिर नाइक का पर्दाफाश करने का कार्यक्रम तो मेरा ही है सुदर्शन न्यूज चैनल में। जो सुदर्शन न्यूज चैनल में परसों भी मेरा प्रोग्राम था, आप लोगों ने देखा होगा, मोक्ष को लेकर के। तो जाकिर नाइक का जो है वो तो मैं 2003 से उसका पीछा करता आया हूं। उस समय लोग जानते भी नहीं थे, क्योंकि 2004 की 1 जनवरी में उसने सेमिनार किया बम्बई में, उसमें मुझे निमंत्रण दिया था। तो मुझे निमंत्रण देने का क्या कारण था, इसको जरा समझ लीजिए। मुझे निमंत्रण देने का कारण यही था, उसका मैं विरोध किया। तो उसका विरोध मेरा किस बात पर था? उसका एक फोल्डर है, द सिमिलरिटी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम बोला है,
उसने बोला कि हिंदुइज्म और इस्लाम में बराबरी है। तो मैंने उसे यही पूछा, हिंदुइज्म और इस्लाम में बराबरी कहाँ है? हमारे यहाँ पर हिंदुओं में एक गोत्र में शादी नहीं कर सकते, माँ का 6 पीढ़ी गोत्र बचाना पड़ता है, और इस्लाम में भाई बहनों में शादी होती है, तो चचेरी बहन, ममेरी बहन, मौसेरी बहन, फुफेरी बहन, कौन बहन को छोड़ा है? और ये फिर भी कह रहा है इस्लाम और हिंदू में एक है, कहाँ इस्लाम में सिमिलरिटी है? इस पर मैं जाकिर नाइक को घेरा था। बाकी सुदर्शन न्यूज चैनल में मैं बाद में आया, तो भारत सरकार ने शिकंजे, लेकिन मलेशिया सरकार तो उसको भारत को सौंपने के लिए मना किया है। परसों का न्यूज है, परसों न्यूज में यही दिखाया गया है कि मलेशिया सरकार जाकिर नाइक को भारत सरकार को सौंप नहीं रही है। अब आए तो देखा जाएगा, उस पर केस चलाएंगे भारत सरकार, उसके पासपोर्ट तो हुआ है और संपत्ति भी कुर्की हुई है, ये सब हुआ है। हाँ जी, माता गार्गी आदि कई हुए हैं। जी हाँ, हाँ पवन कुमार जी, इन्होंने लिखा है ये हमारे यहाँ ऋषिकाएं हुई हैं। हरी संतरा जी, पंडित जी मैं जानना चाहता हूँ मुस्लिम समाज में लड़का 3 या 4 साल हो जाता है उसका लिंग क्यों काटते हैं? भाई लिंग जो काटते हैं उनसे जाकर के पूछिए, तो मैं कैसे बताऊंगा क्यों काटते हैं? वो सुन्नत है, उसका करना फर्ज नहीं है, यानी वो अल्लाह का हुक्म नहीं है, वो मोहम्मद का हुक्म है। तो इसीलिए लिंग काटिए, पर लिंग काटिए कुछ करिए। अब हिंदू घराने की लड़कियां क्यों पसंद कर रही है? ये हिंदू घराने के लोग अपने घराने के लड़कियों को संभाले, मैं दावा के साथ कह रहा हूं, ये हिंदू घराने की लड़कियां इतनी बदतमीज हैं, इतनी बदतमीज हो चुकी हैं कि इन्होंने अपने संस्कृति को जाना नहीं। जिस जाकिर नाइक के चंगुल में फंस करके हिंदू लड़कियां जो मुसलमान बन चुकी थी, उनमें से 600 लड़कियों को मैं निकाला हूं। जामे मिल्लिया यूनिवर्सिटी से मैंने 3 लड़कियों को निकाला, 3। जामे मिल्लिया यूनिवर्सिटी से, दिल्ली के जामे मिल्लिया यूनिवर्सिटी से मैंने 3 लड़कियों को निकाला, हिंदू कान खोल करके सुनो। और अब तक 600 हिंदू लड़की जो मुसलमान बन चुकी थी उन लोगों को मैं निकाला। खैर, तो ये जोनी पंडित जी, वैदिक सनातन हिंदू एक ईश्वर को किस नाम से ध्यान में रखे, उस ईश्वर का क्या नाम लेके ध्यान लगाया जाए, कृपया बताएं। ईश्वर का एक नाम है, मुख नाम ओम, जिसको आकार उकार और मकार लगा हुआ है, 3 अक्षर से बना है। ओम सृष्टि स्थिति प्रलय, ईश्वर प्रकृति जीव, ये त्रैतवाद का द्योतक है। उस ईश्वर को मुख नाम ओम से बताया गया है, और वेद में आया एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, परमात्मा एक है, ज्ञानी लोग उसको बहुत से नामों से पुकारते हैं। तो एक परमात्मा के अनेक नाम कैसे होंगे? हमारे और आपके भी अनेक नाम है। देखिए, हमें कोई पिता कहता है, कोई बेटा मानता है, कोई भाई मानता है, कोई दादा कहता है, कोई पंडित जी कहता है, कोई डॉक्टर कहता है, कोई कुछ कहता है, इस तरीके से हम एक है, हमारे नाम अनेक है। ऐसा ही परमात्मा एक है, अनेक नाम, एकम सद विप्रा बहुधा बदलती। परमात्मा जब जब जिस कार्य को अंजाम देते हैं तब तब उस नाम से परमात्मा को पुकारा जाता है, जैसा वर्षा करते समय परमात्मा को इंद्र के नाम से पुकारा जाता है, परमात्मा को रुद्र के नाम से भी पुकारा जाता है। जब हमारे किए हुए कर्मों का परमात्मा सजा देते हैं तो परमात्मा का नाम रुद्र होता है, रुद्र कह के परमात्मा को पुकारा जाता है। इसलिए परमात्मा एक है, परमात्मा के अनेक नाम है। भाईजू कुमार जी, नमस्ते पंडित जी, भगवान आपको खुश रखे हमेशा। हाय, भगवान हमको खुश रखेगा और किसी को नाखुश रखेगा तो परमात्मा पर दोष नहीं लगेगा क्या? भाई, परमात्मा का तो स्वाभाविक गुण है जीवों पर दया करना। अब जीवों पर दया करना परमात्मा का स्वाभाविक गुण है, और वही जीवों पर दया करने वाला अल्लाह, जो अर रहमान रहीम कहा है, जो रहम करने वाला, वही गले में, पशु के गले में छुरी चलाने का हुक्म भी दे रहे हैं। ये सब अनर्थ हो रहा है। इसीलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म को जब तक नहीं जानेंगे तब तक मानव का कल्याण होना संभव नहीं है, ये बिल्कुल तयशुदा बात है। मोहम्मद को कुत्तों से परेशानी क्यों थी? भाई, कुत्ता हमारे यहाँ पर भी मना है, कुत्ता पालना मना है, कुत्ता पालना निषेध है। सभी मित्रों से निवेदन है कि ये, कि पंडित जी को
यथाशक्ति आर्थिक सहयोग करें। ये बुद्ध सेन जी की प्रार्थना है और उस पर आप लोग ध्यान रखेंगे। ये आप लोगों की महानता है, बड़प्पन है। विजय जी क्या लिख रहे हैं? नमस्कार जी। जी नमस्ते कमलेश नरानी। पंडित जी संध्या और स्वाध्याय में श्रेष्ठ क्या है? स्वाध्याय अलग चीज है, संध्या अलग चीज है। स्वाध्याय अपने को पढ़ना, सही पूछिए तो स्वाध्याय के माने किताब पढ़ना नहीं, स्वाध्याय के माने अपने को पढ़ना। और ये दोनों संधि काल में संध्या होती है। हमने दिन भर में क्या गलत किया, क्या सही किया, रात भर में क्या सही किया, क्या गलत किया, ये दोनों समय संध्या का बेला। तो संध्या जो है वो 19 मंत्रों की चर्चा ऋषि दयानंद ने की है। 19 मंत्रों के भाव को अपने मन में लाना है और संध्या के माने वहां मिलान का है, मेल का है। इसलिए स्वाध्याय के बिना पर ही आप संध्या कर सकते हैं। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो संध्या क्या करेंगे? इसलिए स्वाध्याय ज्ञान को बढ़ाना है, स्वाध्याय ज्ञान को बढ़ाना है। स्वाध्याय के आधार पर ही आप परमात्मा को जान पाएंगे। पंडित आजा सामने मुशीर के बच्चे, देखिए इस मुशीर ने क्या लिखा है, आप लोग भी देखिए। एक गधे के बच्चे को सामने आने की हिम्मत नहीं हुई और ये गाली दे रहा है। अबे अकल का दुश्मन आजा, अपने बाप से पैदा हुआ तो सुन ले अब मेरी जुबान। अगर अपने बाप से पैदा लिया है तो आजा सामने आकर के मुकाबला कर, डिबेट करके दिखा कि सत्य सनातन वैदिक धर्म है या इस्लाम कोई धर्म है। गधा कहीं का। पटेल जी ने क्या लिखा है? नमस्ते पंडित जी, आपने जो यह YouTube पे वीडियो डाला है वह तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके एक आपसे एक रिक्वेस्ट है। YouTube पे ABNSAT करके क्रिश्चियन की एक चैनल है जिसमें वह लोग डिवाइड वर्ड इन सेंटीडोटो को एक्सपोज करते हैं। भाई आप लोगों ने देखा होगा ईसाई लोग क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं, पर एक बहुत बड़ा पादरी को आज से एक महीना पहले, आज उसका वीडियो आप लोगों को फेसबुक में भी डाला हूं कि एक पादरी को मैंने सत्य सनातन वैदिक धर्म में दीक्षा दिया है। एक पादरी को मैंने सनातन वैदिक धर्मी बनाया जो उड़ीसा का सबसे बड़ा पादरी था, तरसेम मसीह जिसका नाम था, इस समय तरसेम सिंह नाम है उनका। तो वो हिंदू ही था, हिंदू से क्रिश्चियन बना था और वो पादरी बने थे। इसी तरीके से एक नन को भी, जो महिला नन थी, उसको भी मैंने वैदिक धर्मी बनाया जिसका नाम रीतिका मसीह था। तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा पिछले दिन, ये लोग दोनों आदमी, दोनों नहीं बल्कि इनकी पूरी टीम, यानी भारत से लेकर के वेटिकन सिटी तक ये प्रचार चल रहा था कि महेंद्र पाल आर्य को किस तरीके से ईसाई बनाया जाए, और मुझे 5,000 अमेरिकन डॉलर का ऑफर दिया है और करोड़ों रुपया मुझे दे करके मुझे ईसाई बनाने का प्रयास किया गया। और भी बहुत सी बातें उन्होंने लिखी थी, वो सब मैं सब उजागर किया हूँ आप लोगों को लिख करके, और उन्हीं के लिखे हुए चीजों को भी मैं आप लोगों को शेयर किया हूँ। तो ये मुझे ईसाई बनाने के प्रयास में लगे थे, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा, मैं लोभ और लालच अपने पास आने नहीं दिया। मैं ईसाई बनने के बजाय उन ईसाइयों को वैदिक धर्मी बना दिया, वैदिक धर्म में दीक्षा दिया। या आर्य समाज के लोग इतने डिंग हाँकते हैं, इस काम को कोई करके दिखा, एक कोई बता दिखा हाँ इस काम को किया है किसी ने वर्तमान समय में? ये सब डिंग हाँकने वाले हैं, ये जितने भी हिंदू संगठन है ये सब बकवास किए जा रहे हैं, इस काम को करके कोई दिखाए। अब पर मेरा ये पहला काम नहीं है। मैं अंडमान निकोबार द्वीप में भी एंडरसन मोरी नाम का एक पादरी को मैंने वैदिक धर्मी बनाया था, वो आज से नहीं, 86 में। उन दिनों में मैं 6 वर्ष के लिए बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा में था कलकत्ता शहर में, तो उन दिनों की बात है। खैर, तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि ईसाई लोगों को भी मैं दुकान खोलने नहीं दिया। ईसाई और इस्लाम में खूब अंतर नहीं है, वो दोनों एक बराबर बराबर से है। राज जी ये क्या लिख रहे हैं?
पंडित जी नमस्ते। नमस्ते जी, हमारी डिबेट इस्लाम और क्रिश्चियन के साथ अब नेक्स्ट लेवल में जानी चाहिए, जिसमें कैसे आध्यात्मिक साधना के द्वारा जीवन कल्याण, जीवन रूपांतरण किया जाता है, साधन के प्रकार, तुलनात्मक अध्ययन हो। बिल्कुल होना चाहिए, मेरा तो सब जगह अध्ययन किया हुआ है, मेरा सब जगह काम किया हुआ है। आप लोग आइए और इस काम को और मिलकर के आगे बढ़ाते हैं। मेरा तो सब जगह काम किया हुआ है, मैं अब तक ये दिखा दिया हूं 35 वर्षों में विश्व के आंगन में कि एक ही धर्म है मनुष्य मात्र के लिए, जिसका नाम है सत्य सनातन वैदिक धर्म। बाकी कोई धर्म नहीं है, सब मत है, पंथ है, रिलीजन है, मतांतर है, जो व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया हुआ होता है। इस्लाम भी कोई धर्म नहीं, ईसाइयत भी कोई धर्म नहीं, जैन भी कोई धर्म नहीं, बौद्ध भी कोई धर्म नहीं, सिख भी कोई धर्म नहीं है। ये सब धर्म के लिए, सिख तो हिंदू रक्षा के, सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए उसकी स्थापना हुई थी। गुरुओं के जीवनी को मैं पढ़ करके सुनाया भी हूं आप लोगों को, गुरुओं के ऊपर भी मेरे वीडियो बने हुए हैं। अंतिम के जो हमारे 5 गुरु हुए हैं, गुरु अर्जुन देव से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक, इन्होंने सत्य सनातन वैदिक धर्म के लिए, गुरु गोविंद सिंह ने तो अपने पिता की हत्या मुसलमानों के हाथ देखी है, अपने 4 बेटों को भी हत्या मुसलमानों के हाथ देखी, मुसलमानों ने तो दीवार में चिनवा दिया दोनों बेटों को, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को। क्या इस्लाम इन बातों से इनकार कर सकता है क्या? अब ये उल्लू का पट्टा गाली दे रहा है, कोई मुशीर है, अब मुशीर है या मुसे हैं, आ जाए सामने आए तो पता लगेगा। आपके अनुसार सनातन धर्म के लिए सभी अभिवादन कौन? सही अभिवादन वही है जो नमस्ते नमस्ते वाक्य पूर्ण है। मैं आपका अभिवादन करता हूं, मैं आपका नमन करता हूं, मैं आप के सामने नतमस्तक हूं। उसका एक्टिंग भी देखिए, मैं दिखा देता हूं, इधर हाथ जोड़ा और मुंह के सामने रखकर मुंडी हिलाकर हृदय से अभिवादन करना, मैं आपका अभिवादन करता हूं, नमस्ते। ये पूर्ण वाक्य है, नमस्कार वाक्य पूर्ण नहीं है, और जय श्री राम भी नम अभिवादन नहीं है, और कोई जय हनुमान बोला, हर हर महादेव बोला, ये सब अभिवादन नहीं है। ये हिंदू की, हिंदुओं में बहुत बड़ी कमी है, हिंदू अपने को नहीं जानता, अपने संस्कृति को नहीं जानता। हिमांशु जी क्या लिखते हैं भाई, कई लोगों के और चले गए तो अंग्रेजी लेटर में मत लिखिए, हमको पढ़ने में परेशानी होती है। गुरुजी, नंगा नदी को माँ क्यों कहा जाता है? ये हमारे विजय आर्य जी लिखे, अपने नाम से आर्य लिखा है, और ये कह रहे हैं कि नंगा नदी को माँ क्यों कहा जाता है? जा तू कपड़ा पहना क्या नदी को, है तेरे में दम तो कपड़ा पहना दे, तेरी माँ अगर नंगी है तो कपड़ा पहना दे जाकर के। विजय जी, माँ किनको किनको कहा गया सुनो, फिर मेरा वीडियो लगा हुआ है जो मैं हॉलैंड में बोला था। 6 को माँ कहा जाता है, भारत को माँ कहा गया, धरती को माँ कहा गया, जन्म देने वाली को माँ कहा गया, वेद को माँ कहा गया, परमात्मा को माँ कहा गया, गंगा को भी माँ कहा गया, और गाय को भी माँ कहा गया। ये 6 मैं गिन करके दिया हूं, 7वां नाम कोई बता दे माइकल। इसीलिए माँ के नंगापन को क्यों देख रहे हो ये? पर हाँ, इतना याद रखना, गंगा को भले ही माँ कहो, अगर तैरना नहीं आता ना तो तुम्हें डूबो कर ही छोड़ेगी। जाओ, बिना तैरने वाला कोई जाकर के देखे माँ के पास, माँ बचाएगी नहीं। हिमांशु जी, पंडित जी मैंने ऐसा सुना है कि इस्लाम की कोई मान्यता है, इस्लाम की कोई मान्यता है कि कुत्ते दिख जाते हैं तो फरिश्ते भाग जाते हैं। हमारी मान्यता है कि कुत्ते को देख कर चोर भाग जाते हैं, कुछ प्रकाश डालिए। जी हाँ हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ उनकी मान्यता है कि कुत्ते को देख करके फरिश्ते भाग जाते हैं, फरिश्ते भागेंगे, और फरिश्ता अल्लाह के अधीन में है या अल्लाह फरिश्ता के अधीन में है? फरिश्ता खबर ले जाकर के अल्लाह को देंगे, तभी अल्लाह को पता लगेगा। वो हमारी मान्यता नहीं है, वो वैदिक सिद्धांत नहीं है। पर कुत्ता एक वफादार जानवर है, कुत्ता जैसा वफादार जानवर और नहीं है। लेकिन परमात्मा ने वहां वेद मंत्र में भी मना किया था, उल्लू क्या तुम, सुसलू क्या तुम, तमीशिया तुम, वहां 6 पशुओं का नाम दिया है, उसमें मेरे पुस्तक में भी है, मेरे वीडियो में भी लगा हुआ है, कुत्ता न बन। परमात्मा ने मनुष्य को यह उपदेश दिया है, कुत्ता न बनो, क्यों? कुत्ते की आदत क्या है? भौंकने चिल्लाने की, और आज वही चिल्लाने और भौंकने की आदत मानव में ही घर कर गया है। देख रहे हैं किस तरीके से लड़ रहे कुत्ते जैसे, ये
लिंचिंग भिंचिंग फिंचिंग क्या सब क्या बोले जा रहे हैं सब, ये सब हो रहा है। ये आदत कुत्तों में है, इसीलिए परमात्मा का उपदेश है कुत्ता न बन। जबकि कुत्ता बहुत वफादार है, लेकिन वफादार होने के बावजूद भी कुत्ते को मना किया। मेरा एक वीडियो लगा हुआ है कि ये मैं पाकिस्तान के एक को बोला था कि कुत्ता वफादार कैसा है देखिएगा, जब ये हवाई जहाज में और राजधानी गाड़ी में जब हम लोग सफर करते हैं तो कुत्तों को घुमाकर दिखाया जाता है इसमें कोई विस्फोटक सामान या कोई असामाजिक तत्व है कि नहीं, कुत्ता पकड़ता है। लेकिन वो काम मानव नहीं कर सकता, तो कुत्ता को जो ट्रेनिंग दिया गया है वो कोई एप्लीकेशन बिना लगाए, स्कूल में भर्ती हुआ उसको ट्रेनिंग दी गई, वो कोई बिना एप्लीकेशन लगाए उसको नौकरी मिली। वो कभी भी नहीं बोला कि इससे हमारा पेट नहीं भर रहा है, कभी ये नहीं बोला हमें हॉस्पिटल में जाना है, कभी ये नहीं कहा कि हमारा बच्चा बीमार है, पत्नी बीमार है, ये सब नहीं है। लेकिन मनुष्य के साथ ये सारा जुड़ा हुआ है, इसीलिए मनुष्य को उत्कृष्ट माना है। वाकई में हिमांशु जी कुत्ता वफादार है, वफादार पशु है। पंडित जी ये अद्वैतवाद क्या होता है? अद्वैतवाद, अब गंगा को नंगा देखते देखते अद्वैतवाद में चले गए। अद्वैतवाद को पढ़ना हो ऋषि दयानंद के सत्तर प्रकाश को पढ़िए, 10वां 11वां समुल्लास को पढ़ जाएंगे, पा जाएंगे वहां पर। अद्वैतवाद को माने वो ईश्वर और जीव को एक मानना, जो स्वामी विवेकानंद आचार्य आदिगुरु शंकराचार्य बाबा तुलसी ये सारे लोग उसी में फंसे पड़े। बाबा तुलसी ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आदिगुरु शंकराचार्य कह रहे अहम ब्रह्म अस्मि सो अहम, स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है, ये सब अनविज्ञता है, ये वेद विरुद्ध बातें हैं, ये लोग वेद को जानते नहीं थे। आजकल इस्कॉन वाले भी धर्म का गलत रूप फैला रहे हैं और हम लोग किसी अंग्रेज को हरे राम हरे कृष्ण बोलते देखते हैं खुद भी करने लग जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं देवेंद्र जी भारद्वाज जी, ये प्रभुपाद स्वामी का कहना है कि ये कृष्ण ही यीशु ही कृष्ण है, ये हजरत ईसा मसीह को कृष्ण कह रहे हैं प्रभुपाद स्वामी, ये अमेरिका का षड्यंत्र है और इनको ये पता नहीं है कि कृष्ण कभी भी ईश्वर न थे, ईश्वर को जन्म लेना नहीं पड़ता। अगर ईश्वर कृष्ण को ईश्वर मानेंगे तो उनके पिता वासुदेव को क्या मानना पड़ेगा, ईश्वर का कोई पिता हो सकता है क्या? और कंस कौन था? कृष्ण का मामा, तो ईश्वर का कोई मामा भी होगा। अरे हिंदुओं को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि ना राम ईश्वर है और ना कृष्ण ईश्वर है। अब एक प्रमाण मैं और दे रहा हूं सुनिएगा, राम और कृष्ण ईश्वर इसलिए नहीं है। हेलो, लाल कहाँ मिला आपको? महेंद्र लाल कहाँ पाए आप? हाँ कौन बोल रहे हैं आप? अभी लाइव वीडियो चल रहा है मेरा, एक घंटा बाद मिला ना। तो मैंने निवेदन किया कि देखिए माँ के उदर से जो जन्म लेते हैं ना उनकी नाभि होती है, नाभि नाभि, राम और कृष्ण के चित्र को देखिए उसको नाभि है ये क्या नहीं, ये हिंदू तो उल्लू है, उल्लू हिंदू जानता ही नहीं है कि ईश्वर है क्या, किसको ईश्वर कहा जाता है। राम और ईश्वर को, राम और कृष्ण को ईश्वर मान बैठे हैं, तो कंस को क्या कहना पड़ेगा? ईश्वर का मामा। अब यहां एक पते की बात मैं आप लोगों को और बता रहा हूं सुनिएगा, ईश्वर को हम और आप क्या कहते हैं मानव, विशेषकर हिंदू घराने वाले, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या देवनम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। ईश्वर को माता पिता बंधु और सखा कहा गया। अब जो लोग कृष्ण को ईश्वर मान रहे हैं, अब अंदाजा लगाइए क्या कृष्ण सबके पिता थे? क्या वासुदेव के पिता थे? देवकी के पिता थे? वो कंस के पिता थे? संभव ही नहीं है। और माता पिता बंधु सखा कहते हैं। अच्छा कृष्ण के पत्नी रुक्मणी, तो रुक्मणी के पिता थे कृष्ण। अब परमात्मा को शादी करना पड़ता है, अरे हिंदुओं चुल्लू भर पानी में डूब मरो, कहां है मुझे पाने की जगह? मैं तो बोला हूं कि हिंदुओं को भर्ती कराने के लिए धरती पर कोई हॉस्पिटल भी नहीं है जहां इनको भर्ती कराया जाए दिमागी इलाज के लिए। जो कृष्ण शादी कर रहे हैं रुक्मणी से, एक संतान को जन्म दिया है जिसका नाम पद्म, और ये हिंदू उस कृष्ण से संतुष्ट नहीं है, राधा उसके मामी है, उसके साथ भी उनको लगा रखा, चरित्रहीन बता दिया है हिंदू या अकल के दुश्मन।
और इसमें घी डालने का काम किया है गीता प्रेस वालों ने। कृष्ण जैसे चरित्रवान को चरित्रहीन दिखा दिया, उसको चूड़ी पहनाने वाला मनिहारी दिखा दिया, महिलाओं का कपड़ा लेकर पेड़ पर चढ़ा दिया। ये कोई मुसलमान ईसाई ने थोड़ी किया है, ये हिंदुओं ने किया है। ये हिंदू इतने बड़े नालायक है, बेशर्म है, निर्लज्ज है, या अपने पूर्वजों को बदनाम करने में जरा सभी संकोच नहीं करते। जिसको योगेश्वर कहा गया है, ऐसा योगी धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ, ऐसा नीतिकार धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ जो कृष्ण के लिए लिखा है, बताया गया है। इसलिए तो मैं बंगालियों को विशेष करके सुझाव देता हूं कि कृष्ण को जानना हो तो बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय को पढ़ना पड़ेगा। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने, जिन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा है ना, उन्होंने कृष्ण चरित्र नाम का एक बंगला भाषा में पुस्तक लिखी है, कृष्ण चरित्र। उसको पढ़ ले तो सब भूल जाएंगे ये सब लोग, पर ये इतने बदतमीज हैं कि कृष्ण को बदनाम करने के, ये बंगाली लोग बंगला भाषा में गाना गाते हैं, ओ सादर भागना लो तुम भालो तो मामा भालो ना। कितनी बेइज्जती वाली बात है, ये हरामजादे लोग हैं। ये कह रहे हैं कि तू अच्छा है तेरा मामा अच्छा नहीं है, वो मामी कह रही है। इन लोगों को शर्म ही नहीं आ रहा है, ये उसको प्रचार कर रहे हैं, दुनिया वालों को सुना रहे हैं, ये इतने बड़े हरामजादे हैं। मैं क्या क्या बताऊं, पंडित जी द्वैत पद अच्छा क्या क्या लिखा है, अंकुर जी क्या लिख रहे हैं, मैं काली की अवतार, कल की अवतार होगा, कल की अवतार होगा, आज की अवतार कौन है भाई, ये बता दो, कल की छोड़ो आज की अवतार बता दो। डॉक्टर जाकिर नाइक को मैं घेरा इसी बात पर कि कल की छोड़ आज की अवतार बता, अवतार बात वेद में नहीं है और परमात्मा को अवतार लेना नहीं पड़ता। अवतार शब्द का क्या अर्थ होता, अवतरण के माने उतरना, तो इन अकल के दुश्मन पहले बताए कि उतरेगा कौन, जो चढ़ेगा, कहां चढ़ाया परमात्मा को, अरे चढ़ेगा जो तही ना उतरेगा नीचे, तो कहां चढ़ा रखा ये बताए माई का लाल, ये सब बकवास कर रहे हैं, ये सत के साथ मजाक हो रहा है, सत का मखौल किया जा रहा है, सत का अनादर हो रहा है। इसीलिए तो मेरी जुबान खराब होती है इन लोगों की इस आचरण से, इन लोगों की इन बोली से, ये जानते नहीं है। भुवन चंद्र पनौर जी क्या लिख रहे हैं कि पंडित जी सादर प्रणाम, नमस्ते जी। पंडित जी अल्लाह ने हिंदी में आपको भेजा था पर आप अल्लाह सातवें आसमान के तख्त में बैठा बेचैन हो रहा है आपको देखकर। हाँ तो वो हो सकता है अल्लाह बेचैन हो, लेकिन सत का उजागर करना, सत को प्रचारित प्रसारित करना, सत को औरों तक पहुंचाना, ये मानवता है। और मैंने उस मानवता को उजागर करने के लिए प्रतिज्ञा किया हूं, व्रत लिया हूं, 35 वर्ष हो गया इस काम को करते हुए, और जब तक मेरे शरीर में दम है तब तक मैं इस सत्य सनातन वैदिक धर्म को औरों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ये मैं जब चला था तो मैं अकेला था, अब आप लोग जुड़ गए हैं, मेरा काफिला बन गया है। मैं शुक्रगुजार हूं आप सभी लोगों का, मित्र मंडली का, बंधुओं का, कि आप लोगों का तन मन धन से मेरा साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग का सहयोग भरपूर है। पर मैं फिर निवेदन करूंगा, ये सब पुस्तकें मेरी लिखी हुई है, ये सब पुस्तकों को आप लोग मंगवाइए और पुस्तक मंगवा करके जानिए सत्य सनातन वैदिक धर्म क्या है। ये अभी तक 5 पुस्तक ये आप देख रहे हैं, 6 पुस्तकें मेरी है, 1 पुस्तक अभी चढ़ा हुआ है, कुछ पेज उसके बाकी है, वो पुस्तक मैं लिख करके दूंगा आप लोगों को। इन पुस्तकों को मंगवाइए, पुस्तक में जानिए सत्य सनातन वैदिक धर्म क्या है। उसमें केवल वेद ही नहीं, आप जहां तक वेद को जानेंगे, वेद के साथ साथ मैंने कुरान क्या है, बाइबल क्या है, त्रिपिटक क्या है, जिंदा विस्ता क्या है, बिज्जक क्या है, गुरु ग्रंथ क्या है, ये जितने भी धर्म के धरती पर जितने भी मजहब है, जितने भी रिलीजन है, सबके ऊपर मैंने प्रकाश डाला है इन पुस्तकों में। इन पुस्तकों को आप लोग मंगवाइए। अब यहाँ देख रहे हैं वेद और कुरान की समीक्षा में मैं दिया हूँ, दोनों पल्ले में एक तरफ कुरान रखा एक तरफ वेद रखा है, और वेद का पल्ला भारी है, देख रहे हैं आप ये झुका हुआ है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग इन पुस्तकों को मंगवाइए और जानिए सच को। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले। और भाई पंकज जी क्या लिखे, दीन ए मोहम्मद या दीन ए मोहम्मद है या दीन ए अल्लाह है ये तो दीन है या रात है, ये वही लोग विचार करें। इस दिन को तो मैं रात में परिवर्तित कर दिया हूं, आप लोगों ने देखा ना, परसों मैं लिखा था, एक ने मुसलमान ने लिखा मुझे व्हाट्सएप में कि अल्लाह आपको हिदायत दे। मैंने कहा चल अल्लाह आपको हिदायत दे, मुझे मेरे लिए कह रहा है तो गुमराह करने वाला भी तो अल्लाह ही है भाई। तो जब अल्लाह गुमराह करता है और अल्लाह हिदायत देता है, एक नेक आदमी भी किसी को गुमराह नहीं कर सकता, एक अच्छा आदमी किसी को गलत रास्ता नहीं बता सकता, वो काम अल्लाह कर रहा है। अब ये दिन है या रात है आप लोग विचार करें।
देवेंद्र जी का लिख रहे हैं, और जो सदगुरु जग्गी वासुदेव योग दर्शन के बात करते हैं, क्या वो आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद है? आदि शंकराचार्य वेद को जानते नहीं थे, मैं दावा के साथ कह रहा, आदि गुरु शंकराचार्य अगर वेद को जानते होते तो उनको अहम ब्रह्मास्मि कहना नहीं पड़ता, नारी नरक को द्वार, नरक का द्वार, नरकस्सम द्वारम नारी, ये कहना नहीं पड़ता। ये सारा मखौल किया है शंकराचार्य ने। मैं इसलिए शंकराचार्य की बातों से सहमत नहीं हूं। ईश्वर प्रकृति और जीव ये तीन अलग अलग है, और वेद से ही हवाला दिया ऋषि दयानंद ने, दुआ सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यापि परम स्वादवत्ती रसनन्नु अभिचाषिति। वेद में आया है उपदेश ईश्वर प्रकृति और जीव, ये तीनों चीज अलग अलग है। ईश्वर अनादि है, जीवात्मा अनादि है, और प्रकृति भी अनादि है, लेकिन है कब से कि समकालीन है। जब से जीवात्मा है उस समय से परमात्मा है, जब से परमात्मा उस समय से जीवात्मा और प्रकृति, ये तीनों समकालीन है, तीनों बराबर से में है। तीनों में भेद इतना है कि परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है, जीवात्मा में कुछ ज्ञान और कुछ अज्ञानता है, और प्रकृति ज्ञान शून्य है। जैसे मैं ये लैपटॉप में बोल रहा हूँ, लैपटॉप को पता नहीं है कि महेंद्र पाल बोल रहा है या महेंद्र पाल का बाप बोल रहा है, लैपटॉप को मालूम नहीं है। आप लोग जुड़े हुए हैं, लैपटॉप को ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये जड़ है। इसलिए जीवात्मा में चेतनता है। आप लोग जान रहे हैं कि मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दे रहा हूं, और मैं भी जानता हूं कि आप लोग सवाल लिख रहे हैं, तभी ये जवाब देना संभव हो रहा है, आप लोगों का सुनना संभव हो रहा है। और परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है, परमात्मा के ज्ञान में किसी प्रकार की कोई कमी आना संभव नहीं है। इसीलिए परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण, जीव आत्मा में कुछ ज्ञान और कुछ अज्ञानता, और प्रकृति ज्ञान शून्य, और है तीनों कालीन, तीनों बराबर से है, तीनों में से कोई आगे नहीं पीछे नहीं, छोटा नहीं बड़ा भी नहीं है, तीनों बराबर से है और बराबर ही रहेगा। अब आप लोगों को जो समय दिया था 9 से 10 तक, मैं 9 बजे से 5 मिनट पहले ही आ गया था, और 10:10 हो गया, यानी 1.25 घंटा हो गया है। मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों से अब विदा लूं। और ये गुप्ता जी प्रणाम जी नमस्ते, विनय जी लिखे पंडित जी, लेकिन सनातन धर्म में क्या धर्म परिवर्तन का कोई प्रावधान भी है? भाई धर्म तो एक ही है, मैं शुरू से बताया हूं, धर्म परिवर्तन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक है, मनुष्य उस धर्म को परिवर्तन नहीं कर सकता। मनुष्य मात्र के लिए धर्म एक है, मनुष्य के लिए अलग अलग धर्म नहीं हो सकता। इसलिए आपके लिए अलग, मेरे लिए अलग, उनके लिए उनके लिए, किसी के लिए अलग नहीं हो सकता। पर अगर अलग हो जाता तो सूरज, मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं, सूरज का कोई बता दे, सूरज सबके लिए है या एक के लिए है? सूरज केवल हम हिंदुओं को गर्मी दे रहा है, रोशनी दे रही है, या सूरज की रोशनी से हम लाभान्वित हो रहे हैं, या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी बौद्ध प्राणी मात्र? इस तरीके से यह सूरज ईश्वर प्रदत्त है। जैसा सूरज ईश्वर प्रदत्त है, वैसा धर्म भी ईश्वर प्रदत्त है, मनुष्य मात्र के लिए, अलग अलग नहीं। नमस्ते जी, जी नमस्ते मनोज जी। सत 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 नमन पंडित जी, जी जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा के बारे में, सैयद बाबा के बारे में बताएंगे? अच्छा, ये अगला सप्ताह बता देंगे सैयद बाबा के बारे में, आज तक तो मैं यहीं ही रोक रहा हूं। यहाँ सर जी क्या लिखा है? एक मूर्ख की एक किताब, जिसे क्या लिखा? पंडित जी, सरदार पटेल जी के ऊपर आपके क्या विचार हैं? क्या वे भी अंबेडकर की तरह एहसान फरामोश थे? ने पर सरदार पटेल से एक गलती तो हुई, गलती ये हुई कि मोहनदास करमचंद गांधी को समर्थन देना नहीं चाहिए था। जैसा स्वामी श्रद्धानंद जी ने मोहनदास करमचंद गांधी का साथ छोड़ा था, वैसे ही सरदार पटेल को भी मोहनदास करमचंद गांधी का साथ छोड़ देना चाहिए था। अगर मोहनदास करमचंद गांधी का साथ छोड़ देते होते तो नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बनता, कि एक वोट पा करके नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये राष्ट्र के साथ मजाक है, राष्ट्र के साथ खिलवाड़ है, लोकतंत्र की हत्या वहीं पर हुई है। और उससे पहले जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीते, पर तभी सीतारमैया हारे, उस समय भी मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था सीतारमैया की हार मेरी हार है, सुभाष बोस तुम त्याग पत्र दो, वो भी विश्वासघात किया है। इसलिए अनेक प्रकरण है, मैं बढ़ना नहीं चाहता। मेरे साथ कुछ लोग बैठे हैं मिलने के लिए। पहले जी, सत जीता नहीं है, उसे जीता या
जीता जाता है। नहीं, सत्य की जीत हमेशा होती है। सत्यम में विजयते ननितम सत्येन पंथा विततो देवयाना, ये शास्त्र का कहना है। सत्य की जीत हमेशा हुई है, होती रहेगी, हुई थी, ये सत्य के साथ है। सत्य को कोई हरा नहीं सकता। और मेरा आज तो 35 साल से आप लोग देख रहे हैं कि सत्य के बेस पर, सत्य के आधार पर ही मैं जी रहा हूं। आज तक भारतवर्ष के किसी भी थाने में मेरे नाम से FIR नहीं है। क्योंकि मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलता हूं, जो कुछ भी बोलता हूं सब इन्हीं की किताब से बोलता हूं, इन्हीं की किताब से उठा करके देता हूं। और जो लोग बिना हवाले के, बिना प्रमाण के बोलते हैं, वो थाने के चक्कर काटते हैं। अभी मैं बोला ना, पुनाना गुड़गांव, ये गुड़गांव जिला में मेवात में पुनाना है, वहां पर एक लड़का जो भाजपा का अध्यक्ष भी है उस इलाके का, अब वो मोहम्मद के बारे में कुछ टिप्पणी कर दी, उसके ऊपर चैप हो गए, उसके ऊपर केस चल रहा है, बंद था, अभी फिर 20 तारीख को केस है। इस तरीके से अनाधिकार चेष्टा करते हैं। ऐसा ही अंकुर जी ने भी एक वो डाला है वीडियो, वो वीडियो भी, उसमें भी चैप होना संभव है, स्वाभाविक है। कई लोगों से मैंने भी चर्चा की है, क्योंकि कहीं से ये प्रमाण नहीं दिखा पाएगा कोई, अंकुर हो चाहे अंकुर के बाप हो, ये प्रमाण कहीं से कोई नहीं दिखा पाएगा कि हाँ किसी भी किताब में या कुरान में कहीं पर भी मोहम्मद साहब ने आयशा के साथ शारीरिक संबंध जोड़ते हुए दिखा। किसी भी किताब में कोई नहीं दिखा पाएगा, ये बकवास कर रही है, ये जानते ही नहीं है। इसलिए मुझे गुस्सा मत दिलाइए, आप लोग जान करके काम करिए, बिना जाने कोई भी काम करेंगे वो ठीक नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप ऐसे ही इन सब को नंगा कीजिए, भाई ये गलत बात है, मैं इसे सहमत नहीं हूं। मैं क्यों नंगा करूंगा? अरे नंगा जो है वो पहले से ही नंगे हैं, मैं नंगा करने का वाला कौन हूं भाई? भाई सत्य बात को कहना नंगापन का है क्या? हम नंगा क्यों करने जाएंगे? संजय जी बहुत दिनों में दिखाई पड़े हैं, और मैं बड़ा प्रयास किया, हमारे भाई से चर्चा हुई, पर आप मेरे से असंतुष्ट हैं शायद, या बंबई वाले असंतुष्ट होंगे। इसीलिए अल्लाह पुरुष है या औरत, ये तो जरूर मेरे विचारों से अब तक आप लोगों को पता चल चुका होगा, अल्लाह पुरुष है या औरत। तो इस सब मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि ये बेतुकी बातें हो रही हैं, बेतुकी बातें नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट बातें होनी चाहिए। जो कायदे की बात है वो करिए, जो बेकायदे की बात है वो ना करिए। बेकायदे की बात करेंगे तो फिर आप पर चैप हो जाएंगे। इसीलिए सिद्धांतिक पक्ष को सामने रखिए, सिद्धांत क्या है, मान्यता क्या है, उसको उजागर करिए। उसको उजागर किए बिना बात नहीं बनेगी। इसीलिए सत्य के साथ होना, सत्य को अपने जीवन में उतारना, सत्य को जानना, सत्य का उजागर करना। इसीलिए मैं नंगा नहीं करता, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि आईना चेहरे का हर दाग दिखा देता है, ये उसकी फितरत का तकाजा है, ये शिकवा कैसा। आप सत्यार की तनकी से नाराज ना हो, अपने चेहरे को ही धो डालिए, और ये गुस्सा कैसा। भाई मैं तो चेहरे का दाग दिखा रहा हूं, दाग को धोई, आईने के सामने में जाइए, आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेश नजर आएगा। इसलिए मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं, जो यथार्थ है उन यथार्थ चीजों को मैं सामने उजागर कर रहा हूं, सामने उठाकर रख रहा हूं। इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं लंबा ना करता हुआ यहीं पर विराम दे रहा हूं। आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपने वाणी को विराम दे रहा हूं, पर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद। अपना समय एक खराब हो लो, अभी चेहरे अपनी नोट